आईपा को मैं अपनी तरफ से अपार धन्यवाद देता हूँ कि एकदम किसी से भयभीत नहीं होकर सही प्रश्न पूछा गया और मैं भी सही उत्तर। इसके पहले जितना चैनल आते थे, सर ये नहीं बोलना है, सर वो नहीं बोलना है, आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको आप लंबा चलाइएगा और कहीं भी काट छाट नहीं कीजिएगा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था, ये पहली राजनीति थी। इस यही वजह है हम लोग कहीं भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में न भाजपा के सामने टिक पाए, न टीएमसी के सामने। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर, जिसमें चर्चाएं होती हैं कुछ खास महत्वपूर्ण विषयों को लेकर। जानते हैं इस समय 2022 के चुनाव के मद्देनज़र क्या इस समय रणनीतियाँ तैयार हो रही, तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं तारक नाथ श्रीवास्तव जी से, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं वहाँ से, और पश्चिम बंगाल से भी चलकर लोग आए हुए हैं। चूँकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि सबसे हॉट सीटें रहेंगी। यहाँ की आठ के आठों विधायक जो यहाँ पे जो विधायक जो थे वो भगवामय हो चुके थे यहाँ पे, और इसके बाद ये बीजेपी का गढ़ भी था यहाँ पे। तो इनको जो जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं इस समय, प्रभारी जो हैं वो कैंट विधानसभा, शिवपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, और जानते हैं क्या खास है यहाँ पे, किस प्रकार की तैयारियाँ, किस प्रकार की रणनीति तैयार हो रही हैं, कैसे बीजेपी के रथ को रोकेंगे। तारक नाथ श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका आईपा में। आप के नगर में मैं आया हूं और प्रभारी के रूप में मैं जो काम करने आया हूं, प्रमुख पार्टी के एक सिपाही के तौर पर मैं ये तय करने आया हूं कि हमारे कौन से प्रार्थी यहां कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत पाएंगे, इसलिए मैं यहां आया हूं। अगर बातें की जाएँ, चूँकि पश्चिम बंगाल की बातें की जाए, तो ममता बनर्जी भी जो हैं लगातार वहाँ पर सीएम बनती चली आई। इस बार भी बीजेपी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया, कोविड की भी दिक्कतें आई उसमें, तमाम एक दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ पे बीजेपी बनाम अगर बातें की जाएँ तो टीएमसी था। यूपी में जो इस समय जो माहौल जो तैयार किया जा रहा है, बीजेपी बनाम समाजवादी का तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या नज़र आता है आपको? ये तो यहाँ का एक प्रोपगंडा है। दरअसल लड़ाई बीजेपी के साथ सीधी तौर पर हम लोगों की है, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है। अगर कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं रहती तो प्रियंका मैडम इतने दमदार नेत्री हमारे यहाँ धरातल पर आकर ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ रही हैं। आप देखिए, आप खुद ही तय कीजिए कि पिछले 5 सालों में अखिलेश जी का परफॉर्मेंस क्या रहा, बहन मायावती का क्या रहा, इन लोगों को कहीं आप नज़र नहीं आए होंगे। सिर्फ कुछ मीडिया के द्वारा एक प्रोपगंडा चलाया गया है जिस पर ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस तो कहीं भी नहीं, लेकिन आप देखिए कोरोना के पीरियड में आप उन्नाव वाला घटना पर देखिए अरेस्ट कौन हुआ था, अखिलेश यादव के अरेस्ट हुए थे, वहाँ राहुल जी अरेस्ट हुए थे, वहाँ प्रियंका बहन अरेस्ट हुई थी हमारी। इस तरह से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ज़मीनी स्तर का लड़ाई है, वो दिखेगा। कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश का अब कोई सरकार नहीं बन सकता, ये मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ। प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, अगर बातें की जाए लखीमपुर की बातें की जाए इस समय, इसके साथ साथ किसानों के साथ वहाँ पे मतलब कि एक्सीडेंटल केस आते हैं वहाँ, उसके साथ साथ अगर बातें की जाए हाथरस की घटनाएं हैं, उम्बा सोनभद्र की घटना है जो काफ़ी चर्चा रहा वहाँ पे, कई वहाँ पे लोगों की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे जगहों पर पहुँच रही हैं। उसके बाद कुछ परिवारों को टिकट भी देने की बातें हुई जो टिकट दी जा रही हैं, तो इसी साथ साथ अगर बातें की जाएँ तो कितना इसका बेनिफिट मिलेगा चुनाव में? देखिए, ज़मीनी स्तर की लड़ाई आप जब जब लड़िएगा तो कभी पब्लिक आपके साथ बेईमानी नहीं करती है। नेता अगर सही काम करेंगे, ज़मीनी स्तर का लड़ाई लड़ेंगे तो पब्लिक हमारे साथ है। देखिए, कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी बातें जो निकल के आ रही हैं, अल्पसंख्यक कोटों की जो बातें हैं, अल्पसंख्यक कोटों पर जो दावे होते हैं, चूँकि अल्पसंख्यक वोट जो है एक निर्णायक फैसला कर रहा है इस समय, तो उसमें दावे किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ रुख हो रहा है इनका, कभी दावे होती है बीएसपी के साथ हो रही हैं, तो तमाम लोग दावे कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या नज़रिया है, कितना बेहतर आप नज़र इसमें देखते हैं, मतलब कि एक अल्पसंख्यक वोट को अपने तरफ लाने के लिए? देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक साथ मेरे साथ आएं। अल्पसंख्यक के लिए अगर कभी कोई किया है तो कांग्रेस ही किया है। देखिए, चूंकि यहाँ पे राजनीति की बातें की जाएं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है क्राइम ग्राफ भी काफ़ी रहा, कई एक माफिया से माननीय भी बने,
तो बंगाल की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप क्या ऐसा अंतर देखते हैं कि कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है? चूँकि ये सवाल इसलिए हम आपसे लेना चाहेंगे कि पश्चिमी बंगाल का जो निर्णायक जो फैसला था, वह मतलब कि वोटिंग जो होती है पश्चिम बंगाल में, वो क्या करते हैं उसे आप काफ़ी अच्छा आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप क्या नज़र देखते हैं इसमें वोटिंग को लेकर? वहाँ पहली बार पश्चिम बंगाल में इस बार पहली बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था। ये पहली राजनीति थी, इस यही वजह है हम लोग कहीं भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में न भाजपा के सामने टिक पाए न टीएमसी के सामने। लेकिन यहाँ पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास भाजपा द्वारा सिर्फ चलाया जा रहा है और एक काम किया जा रहा है, यहाँ के जो बबुआ हैं उनका भी एक प्रयास है कि मुसलमानों के बीच में एक डर दिखा रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो आपका वोट कट जाएगा, भाजपा सरकार में आ जाएगी। मैं ठीक वही बात कह रहा हूं कि अगर सुसज्जित सरकार आपको चाहिए और प्रियंका जी के नेतृत्व में एक अच्छा सरकार चाहिए तो आप कांग्रेस के साथ होइए, अकलियत से लेकर बहुसंख्यक सभी लोग हमारे साथ आएँ और एक अच्छा सरकार दें। प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रही हैं, उससे पहले राहुल जी भी यहाँ पर संघर्ष किए, तमाम टीका टिप्पणियाँ हुई, तो राजनीति में जो मतलब कि कई शब्दों का जो यहाँ पे उनको संबोधित किया गया, क्या कहेंगे आप? जैसे मतलब कि कई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों के साथ, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे तरह तरह के मतलब कि कार्टून वगैरह जो बनते हैं, जो आपत्ति जो होते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप, क्या ओपिनियन है आपकी? यही गंदी राजनीति की शुरू नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा शुरू की गई है। इस तरह की राजनीति हमने वाजपेयी के समय में भी देखा। वाजपेयी जी भी एक कुशल नेतृत्व दे के आए थे, भले ही वो भाजपा के नेता थे, लेकिन राजनीति इतने गंदे स्तर पर नहीं आई थी। ये इनके देन, इनका देन है। ये विशेषकर अडानी और अंबानी को खुश रखने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, ये दोनों राजनीति का स्तर काफ़ी नीचे गिरा दिए हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा में हमको नहीं जाना है, हम उस तरह के राजनीति से अपने आप को परे रखेंगे, पब्लिक इसका विचार करेगी। कैंट विधानसभा से चूंकि आप प्रभारी हैं, वहां से लगातार कई बार अनिल श्रीवास्तव जी चुनाव लड़े। बात की जाए 2017 की विधानसभा चुनाव की, तो उसमें समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, कुछ कदम की दूरी पर रह गए अनिल श्रीवास्तव जी पहुँचते पहुँचते। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वो भी फ्लॉप साबित होता है। तो वहाँ पे कायस तोड़ जो है वो कैसे आप अपने तरफ ले आना चाहेंगे, किस प्रकार से लाना चाहेंगे, क्योंकि कायस तोड़ जो है वहाँ पे एक अच्छे खासे संख्या में है, और जो सौरभ श्रीवास्तव जो इसमें मौजूदा विधायक है कैसे उनसे टक्कर लेंगे, चूँकि उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए, उनके पिताजी भी विधायक थे, उनकी माता जी भी विधायक रही, उसके बाद ये भी मौजूदा विधायक हैं, तो कैसे आप वहाँ पे नेतृत्व करेंगे? देखिए, विशेषकर हमें जब चयन किया गया, मैं स्वयं एक श्रीवास्तव हूँ इसलिए कैंट में दिया गया और बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहाँ जितने श्रीवास्तव हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर बंगाली वोटर भी हैं, और हम इसीलिए इस विधानसभा को मेरे लिए दिया गया है कि मैं अपने लोगों के बीच में उनको ये पैगाम पहुँचा पाऊँगा कि ये जो वोट हो रहा है वो किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं, ये देश निर्माण के लिए हो रहा है। यूपी अगर बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा। इसलिए बातें की जाए तो चूंकि बंगाल की अगर बातें की जाए तो बंगाल में जो बंगाली समाज के जो लोग जो हैं, यहाँ पे बंगाली टोला है यहाँ पे बनारस में, यहाँ पे गलियों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर है। तो चूंकि बातें की जाए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति में वो किस प्रकार से आप एक दूसरे को मिलाना चाहेंगे, किस प्रकार से अपने तरफ लाना चाहेंगे, कांग्रेस के तरफ लाना चाहेंगे उन्हें, बंगाल के लोगों को जो यहाँ पे जो रह रहे हैं, चूंकि अंतर काफ़ी है। देखिए, बंगाली एक कल्चर है, वो हिंदुस्तान के किसी कोना में चल जाएगा वो अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ता है, उनका कल्चर है और कभी आप हटा नहीं सकते। इसलिए उस कल्चर के साथ हम घुले पड़े हैं, क्योंकि मैं बंगाल में ही जन्मा हूँ, बंगाल में पढ़ा हूँ, बंगाल में ही राजनीति करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ के बंगालियों को अपने भाषा में अच्छी तरह से ये समझा पाएंगे कि ये लड़ाई एक क्षेत्रीय दलों की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, और बंगाल को किस तरह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रताड़ित किए हैं उसका बदला आपको यहाँ से हर बंगाली को लेना चाहिए और उखाड़ फेंकना चाहिए यहाँ जो बीजेपी की सरकार है। चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं,
ये सवाल इसलिए आपसे हम लेंगे चूँकि आप प्रभारी भी हैं और आपने कई ऐसे सावन भादो ऐसे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे राजनीति के जो हैं, बहुत से उथल पुथल हुए हैं, बहुत बार सरकारें बनी होंगी, गई होंगी, आई होंगी, तो ये सवाल हम इसलिए ले रहे हैं। महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है भावनात्मक मुद्दे बड़ी तेज़ी से पनपते हैं, धार्मिक मुद्दे भड़काए जाते हैं, ऑटो के एक तरफ लाने के प्रयास होते, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, तो ये स्थानीय मुद्दों के साथ वोटिंग होनी चाहिए। भावनात्मक मुद्दे जो आते हैं क्या कहेंगे, इस पर क्या ओपिनियन है? शुद्ध विकास के ऊपर राजनीतिक चर्चा होना चाहिए, सरकार विकास के ऊपर बनना चाहिए, मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। आज आप बताइए, हमारे घर भी 1000 रुपया में सिलेंडर मिलता है और एक मुसलमान के घर में भी 1000 रुपया का सिलेंडर मिलता है, तो ये कहाँ का बात है? ये तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम तो 400 में मिलता है और साजिद अंसारी हमारे पार्षद साहब बैठे हैं उनको 1000 रुपया में मिलता है, हम भी 1000 रुपया में किनते हैं। विकास की जहाँ बात आएगी तो वहाँ ये सब परे हो जाएगा और हम विकास के लिए वोट करने को कहेंगे। ये मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, ये सारा मुद्दा अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, आदेश के आधार पर देश चलता है। इससे पहले भी कोर्ट का आदेश राजीव गांधी जी माने थे, ताला खुलवाए थे, आज ये नई बात नहीं है। कोर्ट के आदेश आया, मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन राजीव गांधी उस ताला खुलवाने के बदले में चंदा नहीं लिए थे, चंदा का धंधा नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने रातों रात एक ज़मीन का दाम लाखों रुपया से करोड़ों रुपया में कर दिया, आज तक उसका कुछ न्यारा ब्यारा नहीं हुआ। इसलिए यही फर्क है, मैं भी आस्था में विश्वास रखता हूँ, मैं भी पूरी तरह से आस्तिक हूँ, कहीं कोई नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन आस्था के नाम पर धंधाबाजी नहीं चलता है, चंदाबाजी नहीं चलता है। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुँचने के लिए, प्रगतिशील राजनीति की बातें करते हैं हम लोग और पूरी बातों को रखते हैं, किसी भी इंटरव्यू में हम लोग जो है मतलब कि किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि जो आप जवाब देने वाले हों तो उसमें हम लोग कटाक्ष करें, बात काटें उसमें। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? मैं हिंदुस्तान के कई चैनलों में कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं पहली बार एक ऐसे चैनल में इंटरव्यू दिया हूँ जहाँ मुझे मना ही नहीं किया जा रहा कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। मैं बड़े बड़े चैनलों में बैठता हूँ, सारे चैनल में मैं आया हूँ। ये हम आपकी मुहिम को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा ही मुहिम पूरे हिंदुस्तान के मीडिया वाले लोग करें। आईपा को मैं अपनी तरफ से अपार धन्यवाद देता हूं कि एक निर्वा एक एकदम किसी से भयभीत नहीं होकर सही प्रश्न पूछा गया और मैं भी सही उत्तर। इसके पहले जितना चैनल आते थे, सर ये नहीं बोलना है, सर वो नहीं बोलना है, आपसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको आप लंबा चलाइएगा और कहीं भी काट छाट नहीं कीजिएगा। तो आप तो हमारे साथ तारकनाथ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि 2022 में निश्चित ही कांग्रेस सफलता हासिल करेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।